हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू पी ए सी एनालाइजर तो आज हम सिक्सथ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ़ यू पी एसी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में बात की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की तो हम यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रोविजन देख लेते हैं दीज आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैख टेन लैख एंड वन करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट तो इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है सिर्फ एस ही ऑथोराइज्ड है इन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए और इन कैश करने के लिए तो एस बी आई इज़ ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स और इशुएंस के पंद्रह दिन के बाद तक आपको इन कैश कराना पड़ेगा जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है दीज बॉन्ड्स आर ओनली रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन बॉन्ड्स को कौन ले सकता है तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ टेन डेज तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया या कोई भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट और इस्टाब्लिश इन इंडिया में तो वो यहाँ पर इन बॉन्ड्स को ले सकता है पर्सन इसको अकेले भी ले सकता है इसके अलावा जॉइंटली भी ले सकता है विद अदर इंडिविजुअल्स डोनर का नाम मैंशन नहीं होता है इन बॉन्ड्स में तो डोनर का नेम मैंशन नहीं होता है सिंगली भी ले सकते हैं जॉइंटली भी ले सकते हैं एस ही ऑथोराइज्ड है इन बॉन्ड्स को यहाँ पर देने के लिए तो एस बी आई इज़ ऑथराइज टू इशू और इन कैश दीज बॉन्ड्स और यहाँ पर पंद्रह दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस यहाँ पर इन कैश कराना पड़ेगा इसके अलावा ये बॉन्ड सिर्फ रिडेमेबल हैं इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट न्यूज है कंडेम बूचा किलिंग्स बैक कॉल फॉर प्रोब इंडिया अब यहाँ पर यूक्रेन में एक सब अर्बन टाउन है जिसका नाम है बूचा पिछले एक महीने से रशियन फोर्सेस ने उसको सीज कर रखा था अब जब वहाँ से रशियन फोर्सेस गई हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडीज ऐसे स्ट्रीट पर पड़ी हुई हैं लगभग लग लग 410 सिविलियंस को वहाँ पर मारा गया है अब यूक्रेन का ये कहना है कि यहाँ पर रशिया ने जेनोसाइड किया है वॉर क्राइम किया है रशिया का ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब फोज है ये सब यूक्रेन ऐसा जानबूझ कर दिखाना चाह रहा है कि हमने यहाँ पर वॉर क्राइम्स किए हैं अब इंडिया जिसने अब तक इतना न्यूट्रल डिस्टांस मेंटेन कर रखा था हमने यहां पर किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं किया लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें यहां पर कंडेम करना पड़ गया इन किलिंग्स को और हमने यही बोला कि इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए तो बेसिकली यहां पर हमने इनडायरेक्टली टारगेट किया है मॉस्को को तो डेली हैज अ डिप्लोमेटिक तो बैलेंस इन द यूक्रेन कन्फ्लिक बट द बूचा किलिंग्स हैव लेड टू श्रिंकिंग ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक तो स्पेस क्रिएटेड विद मच एफर्ट और हमारा यही कहना है कि इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए इन टू हैपनिंग्स इन द टर रशियन ऑक्यूपेशनटलटली तो बेसिकली हमने इसकी वजह से इनडायरेक्टली टारगेट किया है मॉस्को को तो दिस प्रॉम्प्टेड डेली टू कंडेम द इंसिडेंट इनडायरेक्टली टारगेटिंग मॉस्को यहां पर जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी बनती जा रही है मेजर हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्ट जो होने वाला था तो हम फिलिपिंस को यहाँ पर देने वाले हैं ब्रह्मोस को तीन बैटरीज तो साइन द डील टू बाई थ्री बैटरीज ऑफ द ब्रह्मोज मिसाइल जो कि यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जॉइंटली बाई द डी आर डी ओ एंड रशियाज़ एन पी ओ तो मैनुफैक्चर्ड बाई ब्रह्मोज एयर स्पेस इन इंडिया द फिलिपींस डील इज वर्थ नियरली थ्री सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर और ये माना जा रहा है कि इंडिया की फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्ट है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात की गई है तो हमारे पास एक एक्ट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 इसमें एक अमेंडमेंट किया जाएगा और जिसके बाद यहाँ पर जो डब्ल्यू एम डी डिलीवरी सिस्टम के फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको भी कवर किया जाएगा क्योंकि पहले जो एक्ट था उसमें यहाँ पर डब्ल्यू एम डी डिलीवरी सिस्टम के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट टू थाउजेंड फ़ाइव आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के नेम मेंशन है जिनको कि एस टी लिस्ट में डाला गया है इन झारखंड वो ट्राइब्स हैं देशवरी गंजू दौतलबंदी पटबंदी राउत माजिया खैरी तमारिया एंड पूरन इसके अलावा एक है भोक्ता कम्युनिटी जिसको यहाँ पर मूव कर दिया गया फ्रॉम द एस लिस्ट टू द एस लिस्ट यहाँ पर महाराष्ट्र की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है आर से यह बात पता चली जो पैरामेडिक्स है उसमें यहाँ पर नाइनटीन की शॉर्टेज है डॉक्टर्स में एट की लेफ्ट टेक्नीशियंस में ट्वेंटी की मिड वाइस में फोटी की और आयुष डॉक्टर्स में सेवटीन की तो बेसिकली आप इसको यहाँ पर केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हो किसी भी मेन संसार राइटिंग में कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकते हो अ सीरीज़ ऑफ़ प्लीज फाइल्ड बाई द इंडियन एक्सप्रेस अंडर द राइट टू इनॉफॉर्मेशन एक्ट हैज़ रिवील्ड डट वेल द स्टेट हैज़ वन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी नाइन फंक्शनल पी एच सीज जिसमें से बहुत सारों के पास तो एडिकोर्ट स्ट नहीं है इसके अलावा जो वन थर्ड सेंशन पोस्ट हैं वो अभी तक वेकेंट है तो यही इसमें डेटा बताया गया आप डायरेक्टली ये वाला डेटा को शलर्न करके यहाँ पर कोट कर सकते हो आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इमरान स्नोबॉल ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे ये हम डिस्कस कर सकते हैं इट गोज़ बैक टू नेटो कि ये जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस है ये नेटो की वजह से ही हुई है तो वॉर इन यूक्रेन हैज़ ब्रॉट द स्पॉट लाइट ऑन द नेटो नेटो वॉज फॉर्म इन द आफ्टर मैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़ वर्ल्ड वार टू के बाद यहाँ पर नेटो को बनाया गया था और वेस्टर्न पावर्स ने बनाया था क्योंकि वेस्टर्न पावर्स को ये लगता था कि कहीं यू एस एस फैलने लग ना लग जाए तो रैपिड ऑल राउंड प्रोग्रेस मेड बाई द यू एक प्लान सोशलिस्ट इकॉन थी जिसकी वजह से जो कैपिटल इकॉमीज थी उनको यहाँ पर फील होने लगे और वो होगी उसके बाद यहां पर उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस ही बना दी वेस्टर्न कंट्रीज ने नेटो तो 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 ने तो यहां से बन गया एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट तो नेटो तो एक मिलिट्री पार्टनरशिप थी पहले यहाँ पर जो और उसके जो यहाँ पर एलाइस थे बनाई जिसमें एक आर्टिकल फाइव था आर्टिकल फाइव का ये कहना था कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो अटैक माना जाएगा सारे कंट्रीज के ऊपर और यहाँ पर सारे ही कंट्रीज वॉर में आ जाएंगे बट इट्स रियल मोटिव वॉज टू एंसर्कल द यूएसएसआर तो इनका नेटो बनाने का एक पर्पस ये था कि हम यूएसएसआर को यहाँ पर एंसर्कल कर लेंगे वेस्ट ने यह नेरेटिव बनाया कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसको एक मिलिट्री थ्रेटर फ्रॉम द सोवियत यूनियन जिसकी वजह से हमें ये कलेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए नेटो को बनाना पड़ रहा है यूएसएसआर ने नेटो बनने के बाद वाट्सअप एक्ट एक लेकर आया और वो भी यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी की ही बात करता था लेकिन जब यहाँ पर सोवियत यूनियन कोलेप्स हो गया उसके बाद वाट्सअप एक्ट वगैरह भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो ऐसे में नेटो को भी यहाँ पर कोलैप्स हो जाना चाहिए था लेकिन नेटो ने अभी तक नेटो काम कर रहा है बेसिकली अब नेटो का ये कहना है कि हम एक डिफेंसिव अलाइंस हैं हम यहाँ पर कभी अटैक नहीं करते हैं हम ऑफेंसिव अटैक नहीं करते हैं लेकिन जब यहाँ पर नेटो का ये कहना था जब वेस्ट जर्मनी को नेटो ने अपनी अलायंस में ले लिया और उसके बाद यहाँ पर जो नेटो है वो वेपनाइज करने लग गया, गया रीजन को तो यूएसएसआर एट दैट टाइम वो सपोर्टिंग नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स इन द थर्ड वर्ल्ड विद द डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यू एस एस आन द अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज़ इन द कोलेब्स ऑफ अदर सोशलिस्ट रिजीज इसके अलावा जो वाट्सअप एक्ट के पहले से पहले के मेम्बर्स हैं फॉर एग्जाम्पल ब्यूकार एस नाइन ये सब भी अब यहाँ पर नेटो में आ चुके हैं तो बेसिकली यहाँ पर नेटो ने अपनी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई है बारह कंट्रीज हुए करते थे नेटो में अब यहाँ पर बेसिकली थर्टी कंट्रीज और मोस्ट रिसेंटली जो एड हुआ है नेटो में वो है नॉर्थ मैसेडोनिया तो विद डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यू एस एस आर इ अर्ली नाइनटीन नाइनटीज इन द कोलेस ऑफ अदर सोशलिस्ट रिजीम्स इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप नेटो शुड हैव बीन डिजोल्व लेकिन नेटो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ इंस्टेड इट वॉज री और यहाँ पर जो यू एस के हेजेमैनिक एम्बिशन है उनको फुलफिल करने के लिए यू एस का यूज़ किया जाने लगा तो इट स्टार्टेड आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तो यहाँ पर जो नेटो का काम था वो बेसिकली यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद शुरू किया गया जो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए बनाया गया था नेटो फिर यहाँ पर यूएस अपने हेजेनिक एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर नेटो का यूज़ करने लग गया द लीडर्स ऑफ वेस्टर्न पावर्स हैड इज शॉर्ड सोवियत लीडर माइकल गौरबाचेव तो यहां पर जो यूएस लीडर्स थे उनका यह कहना था कि नेटो और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा ईस्ट में तो बेसिकली ये प्रॉमिस करने के बाद ही इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंड किया है उस समय बारह मेंबर्स थे और अब नेटो के तीस मेबर्स हैं तो बट इट कैट एक्सपेंडिंग एंड नाउ हैज थर्टी मेंबर्स और यहां पर जो सबसे रिसेंट है वो है यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया डिस्ट्रक्शन एंड इनस्टेबिलिटी हैव मार्ग नेटोज फुटप्रिंट्स नेटो का इन्वॉल्वमेंट कोसोवो में सबको पता है कि वहां पर लगभग इतनी ज्यादा बॉम्बिंग की थी नेटो ने कि लगभग पांच सौ सिविलियंस की वहां पर जान चली गई थी इसके अलावा नेटो ने और भी बहुत जगह इंटरवेंशन किया नेटो ने लीबिया में नो फ्लाई जोन को इन्फोर्स किया था इसके अलावा नेटो ने यहाँ तो ने पर इंटरवीन किया अफगानिस्तान में इराक में सीरिया में यमन में तो दीज नंबर्स डू नॉट इंक्लूड इन डायरेक्ट डेथ्स तो ये जो डेथ्स बताई जा रही है ये तो अभी डायरेक्ट डेथ्स जो इनकी बॉम्बे की वजह से हुई है जो इनके जाने की वजह से हुई ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कितने लोगों को फ्ली करना पड़ा होगा इसकी वजह से कितने लोगों की प्रॉपर्टी का लॉस हो गया होगा तो नेटो के पास स्टेट ऑफ द आर्ट आर्ट्स एन है वन ट्रिलियन डॉलर का इनका एक्सपेंडिचर है जहाँ पर हम रशिया का देखें तो रशिया का कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर है सिर्फ सिक्सटी बिलियन डॉलर डिफेंस बजट है और यहाँ पर नेटो का देखें तो वन पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ट्रिलियन डॉलर बेसिकली यहाँ पर थर्टी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है तो इतना ज़्यादा तो हो गई तो जिसकी वजह से हर कंट्री को अप्रेन्शन होगा अगर नेटो यहाँ पर रशिया की बॉर्डर्स पर आकर खड़ा हो जाएगा तो रशिया तो इन सिक्योर हो गई होगा तो इसकी वजह से ही रशिया को यहाँ पर फोर्स किया गया कि रशिया यहाँ पर अटैक करे और जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को अटैक करना पड़ गया अपनी सिक्योरिटी को लेकर तो नेटो हैज अ स्टेट ऑफ द आर्ट आर्ट्स इनल एंड अ कंबाइंड डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ वन ट्रिलियन डॉलर कंपेयर टू रशिया सिक्सटी बिलियन डॉलर डिफेंस बजट अ बॉडी ऑफ द साइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेटो जिसमें तीस मेंबर्स और सिक्सटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो नेटो का ही है तो बेसिकली बहुत ज्यादा एडवांटेज है नेटो के पास एज एन मिलिट्री अलाइंस क्योंकि यहाँ पर तीस कंट्रीज और उसमें यूएस इतना बड़ा सुपरपावर जो इसका एक मेबर है तो फैक्ट इज़ दै नेटोज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड इवाल्वमेंट इन वर्ल्ड अफेयर्स जिसकी वजह से ग्लोबल पीस को थ्रेट था रशिया को इनसेक्योरिटी हो रही थी और यहाँ पर रशिया को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया गया कि यहाँ पर रशिया को अटैक करना ही पड़ा अपनी सिक्योरिटी को लेकर तो इस नेटोज ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी इट प्रॉमिस्ड इसने सिर्फ यहाँ पर ग्रेव इन सिक्योरिटी ही कंट्रीज को ऑफर किए जिसकी वजह से हम सिचुएशन देख रहे हैं हमने जॉर्जिया में सिचुएशन देखी इसके बाद हम यहाँ पर यूक्रेन में सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर भी यूक्रेन एंड द कल्चर वॉर के बारे में बताया गया है फाइनली बोथ द ब्रूइंग ऑफ द इन द यूक्रेन इन द शॉर्ट वन दैट जॉर्जिया ऑलरेडी सफर्ड तो 2008 में नेटो की एक मीटिंग होती है जिसमें नेटो यह कहता है कि हम यहाँ पर जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देंगे कब देंगे ये नहीं पता पर मेंबरशिप तो देंगे ठीक है उसके बाद ही यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने अटैक कर दिया जॉर्जिया में और जॉर्जिया का जो साउथ ओसेटिया पार्ट है वो ले लिया तो रशिया अंडर व्लादिमीर पुतिन हैज़ बीन इवोल्व इन फोर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पहला विद जॉर्जिया एंड साउथ ओसेटिया इन टू थाउजेंड डायरेक्टली इन रिस्पांस टू द बीकोस्ट अनाउंसमेंट उसके बाद 2014 में क्रेमिया ले लिया फिर उसके बाद सीरिया में इन्होंने रशिया ने इंटरवीन किया था बशार अलासाद की रजीम को सपोर्ट करने के लिए और अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में 2022 पे ये जो इन्वेजन चली रहा है अब ये सब क्यों किया गया क्योंकि यहाँ पर नेटो जो है इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था तो द कन्फ्लिक्ट एंडेड विद द रशियन स्पीकिंग एनक्लेव्स इन जॉर्जिया बिकमिंग डी फैक्टो रशियन तो यहाँ पर जो तो साउथ ओसेटिया है वहाँ पर अब वो तो बेसिकली डी फैक्टो तो रशियन की तरह तो ही एक टेरिटरी बन चुका है और जो तो जॉर्जिया नेटो को ज्वाइन करने वाला है वो वाली बात अब डिसपियर हो रही है कि यहाँ पर जो जॉर्जिया वो ज्वाइन नहीं करेगा जैसे भी इसी क्लब यूक्रेन का ये कहना है कि हम नेटो को ज्वाइन करना नहीं चाहते तो वैसी जॉर्जिया ने भी दो हज़ार आठ के बाद कह दिया था कि हम यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं इवन टुडे रशियाज डिमांड्स टू एंड द वॉर इन यूक्रेन अब रशिया ये कह रहा है हम यूक्रेन में वॉर खत्म कर देंगे लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं अब डिमांड क्या है तो डिमांड ये कि जो क्रमिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकोगनाइज कर ले कि क्रेमिया जो है वो यहाँ पर रशिया का पार्ट है दूसरी बात जो यहाँ पर दोनबास रीजन है वो यहाँ पर रशिया का मान लिया जाए तो रिकग्नेशन ऑफ द टू ब्रेक अव रीजन इन द ईस्ट बोथ ओवरवेल्मिंगली रशियन स्पीकिंग इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जो कि ये बोले कि यूक्रेन कभी भी नेटो की मेम्बरशिप को परस्यू नहीं करेगा तो बेसिकली ये यह यहाँ पर रशिया की कुछ डिमांड्स है अब यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि रशिया कभी ये वॉर चाहता ही नहीं था रशिया को अगर ये वॉर करनी होती तो रशिया कभी ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नहीं बनाता तो रशिया अगर यू यूरोप के साथ इतना ज्यादा इंटरलिंक हो रहा था इसका मतलब ये कि रशिया कभी भी उनसे वॉट चाहता ही नहीं था तो कंसिडर देयर फॉर वॉट हैज बी अप इन टू द इकोनॉमिक स्फ़ेयर इट हैज बीन एक्टिंग एज अ रेडी एडजस्टर ऑफ द ग्लोबल वाइट सप्लाई तो मिडिल ईस्ट की वजह से मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ सिविल वॉर चलता रहता है कभी कोई इशू चलता रहता है जिसकी वजह से जो ऑयल सप्लाई है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है तो रशिया ने यूरोप को ये बोला था कि हम आपको सारी नेचुरल गैस और ऑयल प्रोवाइड कर देंगे आप उसकी टेंशन मत लो नॉर्थ स्ट्रीम टू पाइपलाइन के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया ने तैयार किया तो बेसिकली अगर रशिया इतना कुछ कर रहा था यूरोप के लिए तो रशिया ये वॉर नहीं चाहता था तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि रशिया एवार्ड नहीं चाहता था तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पाइपलाइंस वाज अ सिग्नल ऑफ लॉन्ग टर्म रशियन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द वेस्ट तो रशिया ये चाहता था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके वेस्ट का इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंशिंग अरेंजमेंट अब बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं जो कि आप कंट्रीज के साथ करते हो आप एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करते हो ठीक है हमने ये आपको वेपन दे दिया खत्म फ्री मार्केट एक्सेस करते हो पार्टिसिपेट करते हो कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में और एक आप ये करते हो कि आप उस कंट्री के लिए एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना दे रहे हो जो कि यहाँ पर रशिया ने किया रशिया ने यहाँ पर नॉर्थ स्टीम पाइपलाइन बनाई तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैसिव क्रॉस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिलीवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसका मतलब ये है कि वो कंट्री चाहता है सच में कि दूसरी कंट्री के साथ उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो तो बेसिकली यहाँ पर रशिया के ऊपर वॉर को फोर्स किया गया कि रशिया वॉर करे 2012 में उसी सेम पीरियड में जो रशियन ओलिगार्क्स थे वो यहाँ पर यूरोप में गए और वहाँ पर बात की गई कि हम यहाँ पर एक गैस पाइपलाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नॉर्थ स्ट्रीम बनाएंगे तो वन डज नॉट बिल्ड डीप इकोनॉमिक रिलेशंस विद एन इन्वेस्ट इन टू द ए रीजन ये सोच कर कि हम कुछ टाइम के बाद वॉर कर देंगे तो नहीं रशिया यहाँ पर वॉर नहीं करना चाहता था नेटो तो ने एक तरीके से फोर्स किया रशिया को वॉर करने के लिए अब इंडिया ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है इंडिया अभी तक न्यूट्रल है इंडिया को न्यूट्रल ही रहना चाहिए तो इंडियाज पोजीशन इज इकोनॉमिकली वल्नरेबल टू एन एक्सटेंडेड वॉर इन यूक्रेन इसकी वजह से हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है हमारे जो रुपी है वो यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इसके अलावा जो ग्लोबल वेस्टर्न कैपिटल है वो कहीं फ़्लो ना हो जाए अगर उनको ये लगे कि हम यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए तो जिसकी वजह से सेकुलर फ्लाइट हो सकती है ऑफ द ग्लोबल वेस्टर्न कैपिटल तो दिस मीज दट इंडिया सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन अ रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर तो हमारे लिए भी यही अच्छा है ये जो इन्वेजन हो रखा है ये इन्वेजन खत्म हो उसकी वजह से हमारा रुपी भी जो डिप्रिशिएट हो रहा है वो डिप्रिशिएट होना बंद होगा ऑयल के प्राइजेस भी यहाँ पर कुछ स्टेबल हो सकेंगे इसके अलावा जो इंडिया ने यह बात क्लियर कर दी कि अगर हम यूएसए के साथ रिलेशन चाहते हैं तो यूएसए के साथ जो हमारा रिलेशन होगा वो होगा म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट में ना कि यहां पर यूएस अपनी हाई हैंडर्डनेस दिखाएगा कि इसको कंडेम करो उसको कंडेम करो और हम कंडेम करना शुरू कर देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर यूएस के साथ भी रिलेशन हमारी रहेंगी तो वो बेसिकली म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पर ही रहेगी आगे हम डिस्कस करेंगे चॉइसिस योर्स ये बेसिकली ये बताया गया कि एज एन इंडिविजुअल हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने के लिए क्या कर सकते हैं तो दिस कैन बी अचीव टू रिड्यूस फूड वेस्ट तो हमें फूड वेस्ट कम करना चाहिए डाइटरी चॉइसेस में हमें यहाँ पर प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए एडेप्टिव हीटिंग इसके अलावा कूलिंग चॉइसिस फॉर थर्मल कम्फर्ट इसके अलावा वॉक करना चाहिए साइकिलिंग करनी चाहिए कुछ डिस्टेंस के लिए ना कि हर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपको कार से ही जाना है तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है अगर नहीं पढ़ना तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं आगे हम चलते हैं यहाँ पर बूचा किलिंग्स के, के बाद यूएस और उनके अलाइज का कहना है कि हम फ्रेश सेंक्शंस लगाएंगे यहाँ पर रशिया के ऊपर और रशिया के अंडर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो द यूएस एंड द यूरोपियन अलाइज विल इम्पोज स्टिफ न्यू सेंक्शन इंक्लूडिंग अ बैन ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया ऑन वेल्सडे क्योंकि यहाँ पर रशिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं और अब हम यहाँ पर रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैक्शन लगाएंगे अब इसकी वजह से रशिया को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रशिया ने तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि रूबल्स जो हैं हम रूबल्स का ही पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अगर हम यहाँ पर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करें तो बेसिकली यहाँ पर रशिया एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को अब ड्यू टू हाई गैस प्राइजेज मैनी यू कंट्रीज हैव बीन स्विचिंग टू कोल फ्राम गैस तो यहाँ पर रशिया से इन्होंने ने एक्सपोर्ट बंद करवा दिया था जिसकी वजह से इनका गया गैस प्राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया टू द कोल लेकिन कोल भी इनके यहाँ से रशिया से ही आता है तो इफ़ रशियन कोल इम्पोर्ट्स आर बैंड तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनको यहाँ पर एनर्जी क्रंचेस फेस करना पड़ सकता है और आने वाले टाइम में जब विंटर्स आएंगे तब तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिसकी वजह से इनका इन्फ्लेशन आ रहा और इनकी इकॉनमी यहाँ पर सफ़र कर रही है कि डारबिन की नोटबुक जो कि बीस साल पहले चोरी हो गई थी अभी वापस मिल गई है जो कि ट्री ऑफ लाइफ द नोटबुक्स व्हिच इंक्लूड द बुसलूड सेंचुरी साइंटिस्ट फेमस 1837 ट्री ऑफ लाइफ स्केच तो ट्री ऑफ लाइफ स्केच तो सबको ही पता डार का है। आगे हम चलते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर द राजपक्षा क्लैन इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स तो बेशे, बेसिकली श्रीलंका है और यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर इनके भाई जो है प्रेसिडेंट और इनके एक और भाई जो है मिनिस्टर और इनके एक और भाई जो हैं वो है मिनिस्टर ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर बेसिल राष्ट्रपक्षा और मतलब इनकी पूरी फैमिली जो लगभग चालीस की फैमिली वो पूरे कैबिनेट में है तो इन साउथ एशिया नो अदर पॉलिटिकल डायनेस्टी हैज़ बीन एज कॉन्फिडेंटली नेपोटिस्टिक तो ये काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म में बिलीव करते हैं ये तो दिख रहा है इसके अलावा ये जो राजपक्षा है ये प्रो चाइना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तो प्रो इंडिया तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है इन्होंने ही यहाँ पर जो श्रीलंका का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एम्ब्रेस किया था तो, तो दैट वाज आल्सो वेन द राजपक्षा एम्ब्रेस चाइना बेजिंग हैड बीन अ फ्रेंड फ्रॉम द डेज ऑफ श्रीमावो फॉर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पुरुष उसके बाद हमन पोर्ट बनवाया गया जो कि फाइनली आपको पता है चाइना ने लीज पर ले लिया तो हमन पोर्ट वज इनोग्रेटेड इन टू द कंट्री वॉज कनेक्टेड बाई न्यू चाइनीज बिल्ट एक्सप्रेस लेकिन अब चाइनीज़ लोन की वजह से ही बेसिकली ये लोग ऐसे डेट में चले गए इनके यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है दें बस ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं तो सिविलियन मसाकर इन बूचा तो ये हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पेज पर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो प्रेसिडें व्लोदमेरी जेलेंसकी अक्यूज रशियन ट्रूप्स ऑफ कमिटिंग द मोस्ट टेरेबल वॉर क्राइम सिंस वर्ल्ड वॉर टू इन एन एड्रेस टू द यू तो सिविलियन मसाकर किया गया है ब्यूचा टाउन में जो कि सब अर्बन है यूक्रेन में अंटिल ट्यूजडे लगभग चार सौ सिविलियंस यहाँ पर टाउन्स में ऐसे पड़े हुए हैं मैसाकर इन बूचा द ग्रेमेस्ट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन अ कीव सवर्व बूचा जो कि यहाँ पर कीव से लगभग 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैपिटल है और जिसको पिछले एक महीने से यहाँ पर रशिया ने सीज़ कर रखा था यूक्रेन एंड द वेस्ट हैव एक्क्यूज रशिया वॉर क्राइम्स तो यूक्रेन और वेस्ट का यही कहना है कि रशिया ने यहाँ पर वॉर क्राइम्स किए हैं इसके अलावा जो जेलेंस उनका ये भी कहना है कि रशिया ने यहाँ पर जेनोसाइड किया है तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया कि वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड में क्या डिफरेंस होता है तो वॉर क्राइम्स आर डिफाइंड एज अ ग्रेव ब्रीचेज ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन तो जेनेवा कन्वेंशन में यह बताया गया कि वॉर हो रहे हो तब भी आपको क्या क्या नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मेटर्निटी होम के ऊपर अटैक नहीं करना है आपको यहाँ पर चाइल्ड हॉस्पिटल के ऊपर अटैक नहीं करना है इसके अलावा आपको सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं करना है तो वॉर क्राइम्स आर डिफाइंड एज ग्रेव ब्रीचज ऑफ द जेनेवा कन्वेशन nations agreement signed after world war 2 that laid down international humanitarian laws during war time to deliberately aap yahan par civilians ko agar target karoge to usko war crime consider kiya jayega icc ne open किए investigation against Russia के यहाँ पर Russia ने war crimes किए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ICC है रशिया आईसीसी को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पर रशिया रिकॉग्नाइज नहीं करता तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ सेंटेंस कर भी देते हैं आईसीसी कोर्ट तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रशिया के ऊपर जेनोसाइड एज डिफाइंड बाय नेशन यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ डिसंबर नाइनटीन इंक्लूड्स एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय जेनोसाइड जेनोसाइड क्या होता है तो यूनाइटे यूनाइटेड स्टेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जेनोसाइड होता है बेसिकली किसी रिलीजियस ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश को आप समझ सकते हो कि जेनोसाइड है तो कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल एथिकल रेशियल और रिलीजियस ग्रुप तो इसको हम जेनोसाइड मानते हैं अब जेनोसाइड कहाँ कहाँ हुआ है तो यहाँ पर 1915 से 20 में मास किलिंग्स जो हुई थी अर्मेनियंस की बाय द ऑटोमन टर्क्स तो इसको एक जेनोसाइड माना जाता है तीन जेनोसाइड्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है दूसरी बात जो तुसीज और होतूस के साथ हुआ था रवांडा में उसको यहाँ पर जेनोसाइड कंसिडर किया गया और यहाँ पर जो सिरबरने का मसाकर हुआ है नाइनटीन फाइव का तो ये जेनोसाइड है तो तीन जेनोसाइड आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर आर्मेनियंस का हुआ था बाई टर्क्स देन तुत्सीज एंड मॉडरेट होतूस और यहाँ पर एक मसाकर सिरबराने का मसाकर आगे हम चलते हैं इमर्जिंग फ्राम पेंडेमिक नीड टू व्यू वायरसेज इन परसपेक्टिव तो सारे वायरसेज जो हमारे लिए हैं, वो खराब नहीं होते हैं बेसिकली बहुत कम माइन्यूट क्वान्टिटी में जो वायरसेज होते हैं ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं बल्कि बाकी और सारे वायरसेज जो होते हैं वो तो ह्यूमस के लिए यूजफुल होते हैं तो वायरसेज हैव एग्जिटेड फॉर थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स प्रायर टू ह्यूमस और ये हर जगह आपको वायरसेस मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे वायरसेस हैं तो ओनली टू नाइनटीन ऑफ द अप्रॉसिमेटली वन पॉइंट सेवन मिलियन वायरल स्पीसीज एंडल्स एंड बर्ड इनफेक्ट ह्यूमस तो सिर्फ दो सौ उन्नीस ऐसे वायरस है जो कि इन्फेक्ट करते हैं बाकी सारे वायरस हमारे लिए यूजफुल ही हैं अब बैक्टीरियो फेजेस क्या होते हैं तो बैक्टीरियो फेजेस वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं तो बैक्टीरियो फेजेस वो वायरस होते हैं जो कि यहां पर बैक्टीरिया को मारते हैं तो फेजेस आर प्रेजेंट इन आर डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग्स और ये यहां पर बैरियर की तरह काम करते हैं

अभी जो वायरसेस हैं तो हमें ज़्यादा वायरसेस देखने को क्यों मिल रहे हैं वो इसीलिए देखने को मिल रहे है क्योंकि हमने यहाँ पर एनिमल डोमेन में यहाँ पर इंटरवीन कर दिया तो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन ह्यूमस एंड एनिमल्स जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जूनोटिक डिजीज देखने को मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बैट से कोई डिजीज़ आ रही है ये डिजीज आ रही है तो बेसिकली ये सारी जूनोटिक डिजीज़ है ये इसीलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स का हैबिटेट खत्म हो गया है और जिसकी वजह से एनिमल ह्यूमन कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और ट्वेंटी सेवेंटी स्टडी पब्लिड इन द जर्नल साइंस सजेस्ट दट नियरली हाफ ऑफ द वर्ड स्पीशीज आर ऑलरेडी ऑन द मूव एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया का टेम्परेचर यहाँ पर बीस डिग्री रहा करता था और वहाँ पर बीस डिग्री degree... में जो एनिमल सर्वाइव कर सकते थे वो वहाँ पर थे लेकिन अगर उसका टेम्परेचर तीस डिग्री हो गया तो वो बेसिकली वहाँ पर जो एनिमल्स थे वो तो कहीं और जाके मूव करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर बीस डिग्री है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा वायरसेस का मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें ज़्यादा डिजीजेज देखने को मिलेंगी जूनॉटिक डिजीजे तो इबोला कोड ऑन एवरेज ब्रेक आउट वंस एवरी टेन ईयर बाय 2017 जो कि अभी सत्रह साल में हमें एक बार आउटब्रेक देखने को मिलता है हमें दो तक दस साल में एक बार आउटब्रेक देखने को मिलेगा इबोला का इस पेज पर पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अ नाइस डे